चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी बराबर हो रही है बेटियों के साथ, कि उनकी ना आयु को देखा जा रहा है ना कुछ, केवल अपनी हवस का शिकार उनको बनाया जा रहा है, उन बेटियों को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई हो अपराधियों के ऊपर, और उनको दंडित किया जाए। ये जो लंबी पहले तो कार्रवाई खींचती है कोर्ट से, जल्दी से निर्णय नहीं होते, और निर्णय होते हैं तो उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो खुले घूमते। निर्भया कांड इसका साक्षात उदाहरण है, 7 साल हो गए अभी तक भी अपराधी वो जो है उनको दंडित नहीं किया गया, जैसे हैदराबाद पुलिस ने किया है एनकाउंटर से। तो हम अगर न्यायिक रूप से भी कहते हैं, अब उसके ऊपर प्रश्न उठाए जाने लगे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ठीक है न्याय से होनी चाहिए, तो न्याय भी तो फिर जल्दी जल्दी मिले ना बेटियों को, जल्दी न्याय मिले और फिर उन अपराधियों को दंड भी जल्दी मिले। ये समय बद्ध सीमा में होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 माह में मिल जाए उनको 60। हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, निर्मम हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके विरोध में यहाँ पर डीएम सर को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। और दूसरी बात कि न्याय भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, 6-6, 7-7 साल तक लंबे केस चलते रहते हैं, उसके बाद भी अगर फांसी की सज़ा हो भी जाती है तो उसमें भी फांसी की सज़ा नहीं हो पा रही है, आगे और केस चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत न्याय मिले, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट से 1 हफ्ते के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। इंसाफ नहीं मिला उसे, हम ये नहीं कहेंगे, वो मजबूरी थी कि वो भागने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा, बाकी ऐसा तो नहीं है कि उन्हें न्याय मिला। हाँ हो जाए, बहुत अच्छा हुआ, हम खुश हैं इस बात से, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से ऐसा नियम बने ना कि तुरंत न्याय मिले, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुरंत न्याय मिले, और हम तो चाहते हैं कठोर से कठोर दंड मिले, फांसी की सजा तो बहुत कम है उनके लिए, कठोर से कठोर दंड मिले।